आजर सेशन रे हम हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कशन करबा जैनिज्म बुद्धिज्म एंड प्राइस ऑफ मगध एम्पायर ठीक अछि तो एंड हाँ क्लास स्टार्ट करबा पूर्वरु बेसिकली नॉर्मली जेमती कह जाए नॉर्मली जिनस अमर कि आपण माने जदि अमर पुराना पिला माने अछन्ते तो सेशन को लाइक आउ शेयर करंतु आदिन जो माने नुवा अछन्ते तो डेली पीडीएफ पाई और डेली क्लासेस पाई आपण माने सेठी सब्सक्राइब रे सब्सक्राइब बटन रे आपण क्लिक करंतु तो ताकि आपण को डेली क्लासेस केते बेले कोन हम सेटा आपण को मिलि जिवो एंड डेली जॉइन करंतु एग्जाम पाई क्वेश्चन सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब आसी एवं बेसिकली जो रिपीटेड क्वेश्चन गुड़ाक से गुराक ही डिस्कशन करवा क्लास रे तो आपण मैंने सब जॉइन करूँ एंड वीडियो को लास्ट पर्यटन देखापी चेष्टा करूँ ठीक अच्छे सो एबे क्लास हमें स्टार्ट करवा तो आम क्लास रही प्रथम क्वेश्चन व्हिच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज द अवंतिका इन एंशिएंट टाइम तो प्राचीन काल रे भारत रो केउ अंचल अवंतिका भाव रे जणा सुना थिला तो ऑप्शन ए अछि अवध बी अछि रुहेलखंड सी अछि बुंदेलखंड एंड डी अछि मालवा तो अवंतिका अमर पूर्व माने एंशिएंट टाइम रे मालवा ना रे जणा सुना थिला ठीक अछि आउ अवंती होजी अब अवंतिका होजी अमर जो 16टा महाजनपद थिला 16 महाजनपद थिला तो ता भितर अवंती होजी कोन गोटे पद ठीक अछि 16 महाजनपद अवंती गोटे पद महाजनपद एंड मालवाटा मानने आमर दीटा साइड रोटे सदर्न पार्ट्रे पड़ चाहिए गोटे नर्दर्न पार्ट्रे पड़ चाहिए जोटा कि गोटे विंध्यता को कौन कर मानने डिवाइड कर विंध्य पर्वत मालवा को डिवाइड कर सदर्न पार्ट्रे जोटा रोचा हूँ सरी नर्दर्न पार्ट्रे जोटा रोचा को आम उज्जयिनी कहचे नर्दर्न पार्टा को आम कौन कहचे ना उज्जयिनी कहचे ठीक अच्छे आउ साउथ पार्ट को बा सदर्न पार्ट को आमे माहिष्मति बोली कहजे माहिष्मति एटा सेही माहिष्मति जो विषय आपण माने भाबुचंदी सेही माहिष्मति ठीक अछि आगुर थिला जोटा देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आजीविकास वेयर तो आजीविका कहले आमे कौन बुझे तो आजीविका कहले कौन बुझे ऑप्शन ए अछि सेक्ट कंटेम्पररी टू बुद्ध बी अछि ब्रेक वे ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट ऑप्शन सी अछि सेक्ट फाउंडेड बाय चारवाक एंड डी अछि सेक्ट फाउंडेड बाय शंकराचार्य तो कहा द्वारा आमर आजीविकाटा कहले आम एक्जाक्टली कहा को बुझाऊ तो आजीविका कहले आम कौन बुद्धंकर समसामयिक जोटा होता से बोली कहा जाए ठीक अच्छे तो एटा भी कौन आमर महाजन पद मान पीरियड टाइम रे ही आजीविकाटा तैयारी होता बस सेतु बिलोंग करे आजीविकाटा ही आम कौन महाजन पद टाइम रे ही बिलोंग करे देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रूलर मर्डर हिज फादर बिंबिसार टू असेम द थ्रोन तो कौ शासक पिता बिंबिसार को हत्या कर सिंहासन आरोहण करते किए करते आम बहुत भल भाव जानचे अजात शत्रु ठीक अच्छे अदाशत्रु बिंबिसार पुओ थे तो बिंबिसार किए थे आमर जो हरियाणा डायनेस्टी आमर थी तार सी रूलर थे किए थे बिंबिसार आम हरियाणा डायनेस्टी रूलर थे ठीक अच्छे बिंबिसार हरियाणा डायनेस्टी आमर कौन रूलर थे आउर किए पुओ जी अजात शत्रु सीता कौन तक मारिक बंदी कर रखी देन पर मारिकी से निजे सिंहासन आरोहण कर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट आलेक्जाडर एंड द आर्मी अफ पोरोस कैम्ड ऑन अपोजिट बैंक अफ ह्विच रिवर तो आलेक्जाडर पोरोस दिजन भितर गोटे युद्ध होता आम जाना हेटा बहुत भल भाव समस्त जाना थी तो से युद्धटा एक्चुअली मैंने गोटे नदी एपट सेपट पार में दिज जाक कैंप करके लिए है तो सेटा को एक्चुअली कौ नदी एपट सेपट विपरीत कूल दिजन थे तो ऑप्शन ए अच्छे रवि बी अच्छे झेलम सी अच्छे सतलेज एंड डी अच्छे चेना तो आंसर हूँ झेलम नदी कूल है तो झेलम नदी कूल जो होता झेलम ही अन्य ना था कौन जो पूर्व नाटा था सही है हाइदेस पास है हाइदेस पास हला जोटाक आम द बैटल अफ हाइदेस पास बोली आम कहे तो यहाँ कौ टाइम होता न 326 BC द बैटल ऑफ हाइदेस पास 326 BC तो क्या क्या मध्य आलेक्जेंडर
आउ पोरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंगडम व्हिच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वॉर्स। तो को माने युद्ध रे हाथी व्यवहार करते से फर्स्ट टाइम पर। ऑप्शन ए अच्छी कोसला, बी अच्छी मगध, सी अच्छी चंपा एंड डी अच्छी अवंती। किए करते प्रथम मगध मान ही, मगधर राजा मान ही कौन करते युद्ध हाथी को व्यवहार करते। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट, नेम ऑफ रिपब्लिक व्हिच वाज अ कन्फेडरेसी टू ट्राइब्स इन द 6th सेंचुरी बीसी। हेला तो गणतंत्र गोटे गणतंत्र राष्ट्र ना कह माने जो से जो सब राजा माने सब राज्य तो तार कौटे षष्ठ शताब्दी में जो आदिवासी मानी गोटे सम्मेलन बसला कौटी। ऑप्शन ए अच्छी गांधार, बी अच्छे भाजी, सी अच्छे कोसल, आउ डी अच्छे अवंती। तो या भितर कौटा कौ गणतंत्र कौ गणतंत्र राष्ट्र आमर आदिवासी मानी सम्मेलन बसला कौटा। ऑप्शन बी द भाजी, भाजी ही आदिवासी मानी कौन इतला सम्मेलन बसला। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। तो मगध राज्यर उन्नति हवा उत्थान पर किए देवा मगध राज्य किए ही आमर उत्थान प्रथम करे किए बिंदुसार, अजातशत्रु ना बिंबिसार ना वासुदेव किए करते आम इन पढ़ले ना मगध डायनेस्टी किए करते बिंबिसार ही करते जो आम क्या अजातशत्रु बापा थे बिंबिसार। ठीक अच्छे। हरियाणा डायनेस्टी जोड़ा थी। नेक्स्ट, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी पर मगध उपर किए शासन करते। मौर्य डायनेस्टी पर मगध उपर किए शासन करते शुंग डायनेस्टी। ठीक अच्छे। शुंग डायनेस्टी तो तार किए थे ना पुष्यमित्र सिंह। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनस। तो जैन मानकर प्रथम तीर्थंकर किए थे आम जाचे केत तीर्थंकर टोटाली थे टोटाली 24 तीर्थंकर थे आम जाचे 24 तीर्थंकर थे। तो फर्स्ट किए थे, फर्स्ट किए थे ऋषभनाथ इज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देन तापर किए थे तापर तो एक्जाक्टली आम जानने किए अच्छा बट ऋषभनाथ पर आमर जो 23rd थे किए 23rd तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 23rd है पार्श्वनाथ। आउ 24th रे लास्ट किए थे ना आमर किए महावीर जैन। राइट ओके। नेक्स्ट, गांधार स्कूल आर्ट केम इन टू एक्जिस्टेंस इन। गांधार कला विद्यालय केवे सृष्टि होता कौ संप्रदाय समय। ऑप्शन ए अच्छी हिनायन, बी अच्छे महायन, सी अच्छे वैष्णव एंड डी अच्छे शैव। तर कौ संप्रदाय टाइम आम गांधार कला सृष्टि होता आम जानचे जैनिज्म टाइम ही सृष्टि होता ना। तो जैनिज्म जो भारत चलता तो से कहला हिनायन टाइम ही कौन होता हिनायन से टाइम ही आम गांधार कलार सृष्टि होता। ठीक अच्छे। सॉरी गांधार स्कूल कला महायन टाइम ओके ओके सॉरी। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एक्जिस्टेंस इन। गांधार कला विद्यालय केबे सृष्टि होता गांधार विद्यालय तो केबे होता। ऑप्शन ए अच्छे हिनायन सेक्ट, बी अच्छे महायन सेक्ट, सी अच्छे वैष्णव सेक्ट एंड डी अच्छे शैव सेक्ट। कौ संप्रदाय टाइम होता ना महायान संप्रदाय समय महायान से टाइम ही कौन होता आम गांधार कलार सृष्टि होता। आईटा कौन थी मानने आइडियल वर्शिप क्या था मैंने पूजा एक्चुअली क्या करती बुद्ध आ बोधिसत्व को सेने बेस पूजा करते। ठीक अच्छे। आउ टाइम गांधार कला सृष्टि होता ना कुषण एरा टाइम। ठीक अच्छे। कुषण एरा टाइम ही आमर कौन होता महायान से गांधार कला सेक्ट आम गांधार कला आर्ट स्कूल आमर तैयारी होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। तो बुद्ध अनुजाई विश्व कराए गौतम बुद्ध परवर्ती अवतार किए थे बोली
रखी आम 24 तीर्थंकर गौतम बुद्ध जाए तो पर किए हेले तो सेटा तो एक्जाक्टली 24 25th बोली कहुएं बट तांकर अवतारटा किए बोली कहुए ऑप्शन ए अच्छे ऐत्रेय मैत्रेय नागार्जुन आ कल्कि किए कहुए ना तो मैत्रेय बोली कहुए ठीक अच्छे महा महा जो आम गौतम बुद्धों पर नेक्स्ट अवतारटा किए थे ना मैत्रेय ही थी ठीक अच्छे जोड़ा को फ्यूचर बुद्ध बोली कहुए मैत्रेय को फ्यूचर बुद्ध बा हाँ फ्यूचर बुद्ध बोली कहुए फ्यूचर बुद्ध बोली कहुए ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म कंठबंधु क्यों बौद्ध धर्म सहित जड़ित दक्ष चैत खंगन एंड अंगेरी खंगा और अंगेरी तो या भितर कौटा ना चैत्य जो चैत्य मंडप बोली कहुए है चैत्य इज अ बुद्धिस्ट वर्शिप हल है यटा को आम कौन कहुए बुद्धिस्ट वर्शिप मानते बौद्ध मान पूजा ग्रह बोली कहुए जोड़ा वर्शिप प्रेयर हल कहुए कौन कहुए ना प्रेयर हल देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट तो बौद्ध धर्म पवित्र पुस्तक कौटा तो नॉर्मल ये आम समस्त जानी कथा बौद्ध धर्म पवित्र पुस्तक ना हो त्रिपिटक बट त्रिपिटक मीन्स हूँ तीन टा पिटक समारोह को आम त्रिपिटक बोली कहे ठीक अच्छे तीन टा पिटक विनय पिटक सुट पिटक एंड अभिधम पिटक नेक्स्ट अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक तृतीय बुद्ध परिषद को डाकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को डाकि ऑप्शन ए अच्छी पाटलिपुत्र बी अच्छी मगध सी अच्छी कलिंग और डी अच्छी सारनाथ तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को डाकि ना पाटलिपुत्र ही डाकि नेक्स्ट द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अलेक्जेंडर महान गुरु किए थे तो अलेक्जेंडर जी थे गुरु किए थे ऑप्शन ए अच्छे डेरियस सी अच्छे साइरस सी बी अच्छे साइरस सी अच्छे सॉक्रेटस एंड डी अच्छे अरिस्टोटल अब की थिले हाँ अलेक्जेंडर का गुरु थिले कि अरिस्टोटल हु प्रोपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजेरी ऑफ मैनकाइंड तो मानव जाति दुखर अंत पाई कि आठ गुण पथ प्रचार करते तो आठ गुण पथ एट फोल्ड पाथ किए प्रचार करते यहाँ बुद्धिजिम उपर आसला तो गौतम बुद्ध ही प्रचार करते ठीक अच्छे देन नेक्स्ट अच्छा ये आठ गुण पाठ गुड़ाक कौन कौन समस्या मन थी निहाती फिर भी मुझे आठ गुण पाठ फर्स्ट हूँ राइट राइट टू व्यू देन राइट स्पीच राइट लाइवलीहुड राइट माइंडफुलनेस राइट रिजल्व राइट कंडक्ट राइट इफोर्ट आउट राइट समाधि ये आठटी हूँ आमर कौन मनिषर दुखपाई मानव जातिर दुखर अंतपाई ये आठ गुण पाथ ही निहाती कौन लीड करे जोटा को आम आठ आठटा पथ को आम कौन मानी गौतम बुद्ध हिसाब से कौन कहते ना निर्वाण बोली कहते मुक्ति जोड़ा कहुए सेटा ठीक अच्छे देन नेक्स्ट बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इंपैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड दे आर तो समाज दुईट विभाग को निज भाग में प्रवेश कर बौद्ध धर्म एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकड़ा तो से माने किए किए थे तो बौद्ध धर्म दुईटा जिनस बेसी गुरुत्वपूर्ण पकड़ा गोटे हूँ वमेन आउ गोटे हूँ शूद्र तो एक्जाक्टली जितेबले आमर जो मानने जाति धर्म जो जातिर जो सिस्टम चलता का सिस्टम जितने तो बौद्ध धर्म कौन कहते ना गौतम बुद्ध से जिनसकू एक्चुअली से आक्सेप्ट ही करें सी कहते मानने जन्म हिसाब से केवल के कास्ट को मानने डिवाइड कर ठीक नुह तो मनीषर व्यवहार तार मानने कार्य को लेकिन से केमती क्या बिहेव करुच्ची कौन कमी तो से ही हिसाब से मनीषर जाति सिस्टमटा सृष्टि करा ठीक बोली से भावुले ठीक अच्छे तो से कहला वमेन आउ शूद्र तो शूद्र मैंने जो आम नारी मानी हो कि शूद्र जो मैंने छोट जातिर लोक मानते से का सिस्टम को बहुत कौन कर मानने बहुत आडप्ट कर पार नथिले ठीक अच्छे तेलर आंसर हूँ कौन जोटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता सेटा कौन वमेन आउ शूद्र मानक नहीं कि ठीक अच्छे देन बुद्ध मीन्स कौन बुद्ध मीन्स द एनलाइटेड वन माने जहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाए
तो ताकु ही बुद्ध बोली कहुए तो बुद्धंर भी ज्ञान प्राप्त जो होता है तो से बुद्ध मानने बुद्धि हासिल कर बुद्धि प्राप्त हाँ को एनलाइटमेंट बोली कहुए एनलाइटेड मन बोली कहुए बुद्ध बोली कहुए ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट नेम द क्लान बुद्ध बिलंग टू तो बुद्ध क्यों वंशर बिलंग करती ऑब्वियसली शाक्य वंशर ही से बिलंग करती ना कौटो शाक्य वंशर कौट थी ना बुद्ध कौट जन्म थे लुम्बिनी राइट लुम्बिनी जोटा आमर कौट अच्छी नेपाल रे। ठीक अच्छे तो शाक्य वंशर ताले मेन के लीडर थे बाबा ठीक अच्छे शाक्य। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिला सारनाथ पिलारे जो आमर जिते सब जो एम्ब्लेम जो आम सारनाथ पिलार को आमर एम्ब्लेम हिसाब से निया जाइए ना तो किए बनते अशोक ही बनते तो से जो एनिमल मैंने से जो अच्छा तो ये ऑप्शन मध्य को एनिमल को सारनाथ पिलारे खोदित कराएनाई स्थान पाए कौटा ऑप्शन ए अच्छी हम्ड बुल बी अच्छी डियर सी अच्छी एलिफेंट एंड डी अच्छी हर्स तले कौटा निया जाए ना तले आंसर हो कौन डियर डियर को आम हरिण को निजाएनि बट बुल एलिफेंट एंड हर्स आउ एक्सट्रा गोटे तेज रहा कौन लायन ठीक अच्छे गोटे लायन को निजाई आमर ये चार्टा जे निजी एम्ब्लेमटा आपण मैंने देखिपे केमती अच्छी तो यहाँ रहा आमर टोटाली लोटस लोटस उपरको आम लायन मानी रही एतक चार्टा लायन रहा आउ तर ये देखो अशोक चक्रटा ये रहा 24 अरबला जो चक्र रहा आउ तर ये रहा कौन ना मन रखि था वेस्ट रहा हर्स हर्स वेस्ट रे हर्स रहा वेस्ट रे देन ऑक्स रहा ईस्ट रे हला ऑक्स रहा ईस्ट रे आउ एलिफेंट रमर साउथ रे एलिफेंट अच्छे साउथ रे ठीक अच्छे आउ नॉर्थ रे रहा कि आमर लायन लायन रहा नॉर्थ रे देखिपे आपण मैंने से पिक्चर नहीं आस तो नॉर्थ रे रहा लायन देन एपट वेस्ट रहा किए हर्स एपट साइड रे ईस्ट रे रहा किए ऑक्स एक्जाक्टली ये देखा जाऊनी मतलब एटा ये ऑक्स अच्छी देन एटी एलिफेंट अच्छी तो सेमती बट आम रियल तार पिक्चर देखे आम जापर ये तो जाणी ठीक अच्छे तो आपण मैंने रियल के देखी जापर तो वेस्ट रे अच्छी हर्स ईस्ट रे अच्छी ऑक्स साउथ रे अच्छी एलिफेंट एंड लायन नॉर्थ रे अच्छी लोटस उपरे ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट मेंशन द प्लेस वेयर बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट तो बुद्धंकर ज्ञान प्राप्तटा कोठी हेतिला कोठी हेतिला बुद्ध रु बुद्ध ज्ञान प्राप्त पाइथिले बुद्ध गया रे एडा मन रखिबे बुद्ध बोध मतलब बोध ज्ञान तो बोध ज्ञान बोध प्राप्ति होता तो बोध ऑब्वियसली बुद्ध बुद्ध तो बोध गायर ही ज्ञान प्राप्त होता ठीक अच्छे। तो बोध गायटा एक्चुअली कौन रिवर पाखे अच्छी निरंजना रिवर पाखे ठीक अच्छे निरंजना रिवर बोध गायटा कौट बिहार निरंजना रिवर पाखे अच्छे ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो निम्नलिखित मध्य क्यों भारत में उत्पादित शेष बौद्ध पाठ था कौटा शेष बौद्ध पाठ था ऑप्शन ए अच्छी दिव्य वंदना बी अच्छी दहकोश सी अच्छी व्रजचेतिका एंड डी अच्छी भमसथपाकसिनी 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 तो आंसर किए आंसर कौन हम ना आंसर से डी ही हम वम सात पकसिनी ठीक अच्छे वम सात पकसिनी ही लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थिला हला। नेक्स्ट
गौतम बुद्ध वाज बॉर्न एट बुद्ध तले कोठी जन्मग्रहण करते मुझे कही सारी बोधे आपण मन को लुम्बिनी रे जन्मग्रहण करते ठीक अच्छे तो तांकर किए थे नेपाल आम कहले ना साक्य डायनेस्टी से थिले आउ साक्य क्लान से थिले एंड बाबा थिले किए शुद्धोधन जोड़ा थिले साक्य क्लान रे आउ माँ थिले किए महामाया जोड़ा किए थे प्रिंस ऑफ कोकिला रिपब्लिक रे थिले ठीक अच्छे। नेक्स्ट हु वाज द मदर ऑफ महावीर तो महावीर जैनंकर माँ किए थे त्रिशला बहुत थर आप पढ़ी थे इवेन क्वेश्चन मे भी एग्जाम आसी लगे बहुत ये क्वेश्चन गुडक आप रिपीट भी होने मैंने बारंबार प्राक्ट कले इजिली मन रही ठीक अच्छे। आ प्लीज आपण मैंने लाइक भी करनी खाली सेसन को देखे किसी लाभ नहीं बट आपण मैंने लाइक भी करनी कि समय आम मैंने आटलिस्ट खुश हबू कि हाँ हाँ चलो ठीक अच्छे व्हाट एवर यू वांट द लाइक ऑप्शन भी अच्छे अनलाइक ऑप्शन भी अच्छी करनी भी करनी ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ तो अजंता चित्र गुड़िक के कहानी को चित्रण करें अजंतार जो पेंटिंग्स गुराक रही सब जिते सब आम पथर रे हो कि पिला मानक जिते सब चित्र गुड़ाक खोदित अच्छी तो यूर कौटा को सी सूचे थाए ऑप्शन ए अच्छी रामायण बी अच्छी महाभारत जी अच्छे सी अच्छी जातक एंड सी अच्छी पंचतंत्र रामायण महाभारत पंचतंत्र तो किसी आम से जानने तो आंसर हम कौन जातक को सी दर्शाई थाए ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट जातक कहार ताले जातक मीन्स बर्थ ऑफ बुद्ध एटा मन रखी थे जातक मीन्स बर्थ ऑफ बुद्ध को सेटा कौन कर सूचे थाए बर्थ ऑफ बुद्ध याद रखिबे ठीक अच्छे। ओके नेक्स्ट लॉर्ड महावीर डायड एट महावीर का मृत्यु ताले कोठे हेतला ऑप्शन ए अच्छी सरवण बेलागोला बी अच्छी लुम्बिनी गार्डन सी अच्छी कलुगुमालाई एंड डी अच्छी पावापुरी तो ये सब ऑप्शन तो आमको किसी जना पड़नी तो ऑब्वियसली आमको जना पड़ी पावापुरी ही से मरते बोली जेहेतु आम बारंबार जिनस रिपीट करे तो ऑब्वियसली ऑप्शन देखु देखु ही आपंकर आंसर याद रही दरकार तो पावापुरी हूँ कौन सेठार से कौन करते मान मृत्युवरण कर ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट तो केबे मरले द 527 बीसी रे ठीक अच्छे। ओके देन व्हिच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म तो क्यों भाषा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार पर बौद्ध धर्म को मानने जिते बड़े समस्ते प्रचार प्रसार एपट सेपट करुले तो से एक्जाक्टली कौ भाषा से प्रचार प्रसार करुले बौद्ध धर्म मानी जो लेखा सबू अच्छी मानने आमर त्रिपिटक जो अच्छी सेटार लेखा अलग भाषा लेखा अच्छी आ बौद्ध धर्म को प्रचार करने भाषा अलग अच्छी केवेले कन्फ्यूज आपनी बौद्ध धर्म को प्रपरकेशन अफ बुद्धिजिम अलग लांगुएज आउ त्रिपिटक लिखाही कौदर मानने बुद्धिजिम टेक्स्ट गुड़िक कौ भाषा लिखाई तार लांगुएज अलग ठीक अच्छे याद रखने ताल एटा हूँ कौन प्रकृति प्रकृति में कौन भाषा प्रकृति भाषा प्रकृति लांगुएज हिं कौन था प्रचार प्रसार पर यूज कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट बुद्ध गेव इज फर्स्ट रिलीजियस मेसेज तेल बुद्ध तर प्रथम धार्मिक वार्ता क्यों दे ऑप्शन ए अच्छी राजगृह बी अच्छी पाटलिपुत्र सी अच्छी गया एंड डी अच्छी सारनाथ कौटी देते सारनाथ रे हिं प्रथम जो मेसेज दे धार्मिक मान जो मेसेजटा सारनाथ रे हिं ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी महावीर वाज बर्न इन क्षत्रिय क्लान बाय द नेम ऑफ महावीर क्यों क्षत्रिय वंश जन्म ग्रहण करते कौ क्षत्रिय वंश जन्मग्रहण करते ऑप्शन ए अच्छे साक्य साक्य तो केवे हेनी साक्य क्लान तो आमर किए गला बुद्धिजीम उपर गला ना गौतम बुद्ध कले तो महावीर जैन कौटा हाँ महावीर जैन हे किए जनतांत्रिक ठीक अच्छे जनतांत्रिक से कहते तो से मन रखिए आमर जो आमर गौतम बुद्धंर बाबा ना है कौन से साक्य क्लान बिलंग कले आउ बाबा ना है
ଯେଉଁ ସୁଦ୍ଧୋଧନ, ସରି, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁଦ୍ଧୋଧନ ଆଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ମହାମାୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମର ମହାବୀରଙ୍କର, ମହାବୀର ହେଲେ ଜତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଲାନ୍ର, ତ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାବା ହେଲେ କିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆଉ ମାଆ ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶଳା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱେର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସ ପିଟକ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ, ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଟକ ମାନେ ଆମେ ତିନିଟା ପିଟକ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନୟ ପିଟକ, ଦେନ୍ ସୂତପିଟକ ଆଣ୍ଡ ଅଭିଧାମ ପିଟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟାକର ପିଟକକୁ, ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେ ପିଟକ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ପିଟକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ କରାହେଉଥିଲା, ସେଇଟା କରାଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ବଟ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାଥିଲା। ତ ଦୁଇଟାକୁ କେବେ ହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ହେବେନି, ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ପାଲି ଭାଷାରେ, ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଭାଷାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଦେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ନେପାଳ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍, ତ ନେପାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନେପାଳରେ, ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାନେ ନେପାଳରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଅଶୋକା। କିଏ ଥିଲେ ନା? ଅଶୋକା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। କ'ଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଲୁମ୍ବିନୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମର କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଲୁମ୍ବିନୀ, ତ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସାରନାଥ ପିଲାର ସେ ସେଠାରେ ହିଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବର୍ଥ ପାଇଁ, ମାନେ ସେଟାକୁ ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, କେଉଁ ଶାସକ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିକ୍ରମଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ତ ବିକ୍ରମଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କିଏ? ଅବଭିଅସ୍ଲି ଧର୍ମପାଳ, ପାଳ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିର ରାଜା, ପାଳ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିର ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ବିକ୍ରମଶିଳା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବା ସରି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଅ ବଲ୍ଲଭ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ବଲ୍ଲଭ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ରେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଗାନ୍ଧାର ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ ବ୍ଲସମ୍ସ, କାହାର ଶାସନ କାଳରେ ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା? କାହା ଟାଇମ୍ରେ? କନିଷ୍କଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କନିଷ୍କଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ବା ଗାନ୍ଧାର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେ, ତ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବା ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ଅଛି? କାହିଁକି ନା, ଅପ୍ସନ୍ ଏଇ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବର୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ତ ହଁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ଗଟ୍ ଏନ୍ଲାଇଟେଡ୍, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଡାଏଡ୍, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟୋଟାଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦାନ କରାଯାଇଛି, ତ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହବ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ବିଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ତ ଏହି ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଜ୍ ଦ ପିପଲ୍ ସଫର୍ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆର୍ କନ୍କର୍ଡ ନିର୍ବାଣ ୱିଲ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି, ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଗଡ୍ ଆଉ ସୋଲ୍ ଭିତରେ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ବି ସି, ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବି ସି ତିନିଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି,
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଧର୍ମର ବିଷୟ ଥିଲା, ଗଡ଼ ଆଉ ସୋଲଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ନଥିଲା ସେ ଜିନିଷରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 33, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍। ତ୍ରିରତ୍ନ ମାନେ ତିନିଟା ରତ୍ନକୁ ନେଇକି ତ ଜୈନିଜିମ୍ ହେଇଥିବ ନା, ତିନିଟା ରତ୍ନକୁ ନେଇକି ତ୍ରିରତ୍ନ ହେଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କିଏ ତ ନିମ୍ନରୁ କିଏଟା ତ୍ରିରତ୍ନ ନୁହଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ବହୁତ ତିନିଟା ଯାକ ହେଉଛି କ'ଣ, ତିନିଟା ଯାକୁ ଫେଥ୍, ନଲେଜ୍ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ତିନିଟା ଯାକୁ କ'ଣ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ, ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ମତଲବ କ'ଣ, ସମ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ମତଲବ ସମ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ୟକ କର୍ମ, ସମ୍ୟକ କର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ୍ରିରତ୍ନ ଭିତରେ, ଏଇଟା କିଛି ଆସୁନି। ତ ସମ୍ୟକ ସମ୍ୟକ ଫିତ୍ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍ ହେଲା ସରି ରାଇଟ୍ ଫିତ୍ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା ସମ୍ୟକ କର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ, ତିନିଟା ହେଉଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ କେଉଁଠି, ଜୈନିଜିମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ଫାୟନ୍କୁ ନା ୱେନ୍ସନ୍କୁ ନା ଆଇଟିନ୍ସକୁ ନା ମେଘାସ୍ତେସିନ୍କୁ, କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ୱେନ୍ସନ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ କିଏ, ୱେନ୍ସନ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତ ୱେନ୍ସନ୍ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ୱେନ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ୱେନ୍ସନ୍ ଭାରତ ପରିକ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ୱେୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଆମେ ଥର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ବୋଧେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ଦେନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ମାନେ କେବେ ହେଲ୍ଡ ମାନେ କେଉଁଠି ହେଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ଟା କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା ରାଜଗୃହରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଥର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ପାଟଳୀପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା କେଉଁ 483 ବିସିରେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ରାଜଗୃହରେ ହେଇଥିଲା, ରାଜଗୃହରେ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହାକାଶପ ଥିଲେ, କ'ଣ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 383 ବିସି, ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ବୈଶାଳୀ, କାହା ସମୟରେ ନା କଳାଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ସବାକାମୀ। ଦେନ୍ 250 ବିସି ଯେଉଁଟା ଥର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ରେନ୍ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲା ନା ମୋଗଲିପୁଟ୍ଟା। ଦେନ୍ 72 AD, ଚାରିଟା କାଉନ୍ସିଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଥିଲା, 72 AD ହେଇଥିଲା କି କୁଣ୍ଡଳବନ ଯେଉଁଟା ଆମ କାଶ୍ମୀର, କାହା ସମୟରେ ହେଲା କନିଷ୍କଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ବସୁମିତ୍ର। ଏଇଟା ଆପଣ ୟାଦ ରଖିନେବେ ତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ନୋଟ୍ ବନେ, ନୋଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁମାନେ PDF ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଥିଲି PDF ମିଳିବ କି ନାହିଁ ପଚାରୁଥିଲି, ତ PDF ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଟିକେ PDF ଡାଉନ୍ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସୋ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଫର୍ ୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍କୁ, କ୍ଲାସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ, ଏବେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ଅ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ, ତ ଏ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସାମୟିକ କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ
बुद्ध जो टाइम होते किए बुद्ध बर्न करते एक्चुअली के 556 बीसी राइट बुद्धंकर बर्न थी के 556 बीसी आउ बिंबिसार जन्म होते के एक्चुअली आंसर हम बिंबिसार से आंसर कही सारे तो बिंबिसार जन्म होते 558 बीसी तो ऑब्वियसली सी पाखापाखी जेहेतु अच्छा तो तांकर ही समसामयिक हे ना बुद्ध समसामयिक किए थे बिंबिसार ही थी ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाट इज मिलिंद पन्नह मिलिंद पन्नह कहले एक्जाक्टली कौन आम बुझू ऑप्शन ए अच्छे बुद्धिस्ट प्लेस ऑप्शन बी अच्छे वन ऑफ द नेम्स ऑफ बुद्ध ऑप्शन सी अच्छे बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड डी अच्छे बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो भितर कौट ऑप्शन हम मिलिंद पन्नह माने बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट माने बुझिपे आपण जो चार ऑप्शन को था टेक्स्ट बोली कह जाए बुद्धि टेक्स्ट कहले मतलब माने आमर जो आम मिलिंद पन्नह गोटे गोटे माने पुरातन टेक्स्ट है टेक्स्ट माने जो बुझिपे जो टेक्स्ट जो लिखा जाए जो चार्ट्स बोली जो एक्जाक्टली जो चार्ट बोली कहे तो सेटा टेक्स्ट तो यहाँ कौन थी ना गोटे दीज भितर गोटे कन्वर्सेशन थिला किए थे से थे मिलिंद गोटे हूँ इंडो ग्रीक किंग मेंड हला इंडो ग्रीक किंग मेंड नाम को पाली भाषा रे मिलिंद बोली कह जाए ठीक अच्छे मिलिंद मिलिंद हूँ पाली भाषा ना बट एक्जाक्टली ना हूँ मेंड आउ क्या भितर ना आमर गोटे जड़े बुद्धिस्ट मंक थिले बुद्धिस्ट मंक थिले नाम थिला कौन नागसेन हला नागसेन थिले बुद्धिस्ट मंक तो जो आमर इंडो ग्रीक किंग थिले मेंडर आ बुद्धिस्ट मंक थिले नागसेन तो दुई जन भितर जो कन्वर्सेशन होता टेक्स्ट रेटा को ही मिलिंद पन्नह कहुए आउ मिलिंदा ही ना अनुसार होटा मेंडर ना एक्चुअली मिलिंद जोटा आम पाली भाषा कहुए ठीक अच्छे तो से कहुए मिलिंद पन्नह बोली कहुए ठीक अच्छे आप याद रखने नेक्स्ट 39 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म तो ये सब मानने ऑप्शन मध्य बुद्ध धर्म कौटा संप्रदाय नुह तो बुद्ध धर्म कौटा हम महायान हिनायन दिगंबर एंड थेरावाद बुद्ध धर्म कौटा नुह बुद्ध धर्म जी महायान हिनायन थेरावाद हूँ बुद्ध धर्म बट दिगंबर आ श्वेतांबर हूँ जैनजिम्र एटा या मन रखिए दिगंबर श्वेतांबर हूँ जैनजिम महायान हिनायन थेरावाद हूँ बुद्धिज्म्र ठीक अच्छे देन नेक्स्ट बुद्ध धाम एंड संघ टुगेदर आर नोन आज बुद्ध धाम संघ एकाठी को आम कौन बोली कही था ऑब्वियसली त्रिरत्न बोली आम कही था आउ तो किसी जना पड़ना त्रिसाग त्रिसर्गा त्रिमूर्ति त्रिवर्ग एमती किसी ना त्रिरत्न ही कहा जाए बुद्ध धाम एंड संघ को महावीर फास्ट डिसाइपल वाज महावीर प्रथम शिष्य किए थे ऑप्शन ए अच्छी भद्रबाहु बी अच्छी स्थूलभद्र सी अच्छी चरवाक डी अच्छी जमाली तो ऑब्वियसली प्रथम शिष्य निजर ज्वाई ही थे जमाली तो प्रथम शिष्य थे सनलील हाँ ठीक अच्छे सनलील फर्स्ट जमाली थे तो झील किए महावीर के झी झी ना कौन थी ना प्रियदर्शना प्रियदर्शना हला तांगो झी ना थी प्रियदर्शना आ जमाली को बहुत करते जमाली ही तांगर प्रथम शिष्य थे तो ये मोर सेकेंड क्वेश्चन आसला ठीक अच्छे देन हु वाज द मोस्ट फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध तो महावीर को फर्स्ट डिसाइपल थे जमाली तो गौतम बुद्ध को फेवरेट डिसाइपल किए थे मानी प्रथम नहीं बट तांगर मानी अति प्रियर शिष्य किए थे आपण मानक कमेंट सेक्शन में आंसर देवार अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट वर्धमान महावीर इज अल्सो नोन आज वर्धमान महावीर को आम अलग किप जानसू तो आम कौन ग्रेट टीचर नहीं ग्रेट प्रीचर नहीं जैन नहीं जीना हिसाब से आम जानी था ठीक अच्छे तो जीनार मीनिंग कौन ना ग्रेट कंकर माने विजेता हिसाब से जीना को निया जाए
ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିନା ମାନେ ହେଲା ବିଜେତା। ତ ମହାବୀର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ସବୁକିଛି ଉପରେ ନିଜକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜିନା ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଜୟ କରିପାରିଲ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ତ ସେମିତି ମହାବୀର ଜୈନ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜିନା ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ଚାଇନାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଦେ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଦେ ୱେର୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ବାଇ 10 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗ୍ସ, ଦେ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲ୍ଚର୍, ଅର୍ ଦେ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, ସେମାନେ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲ୍ଚର୍ ଟାଇପ୍ରେ ହଁ କିଛି କିଛି ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର କଲ୍ଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଟ୍ ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କେବଳ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ଆସୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଦ୍ରା ଡିଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ଡ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍ ଆଟ୍ ସାରନାଥ। ତ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସାରନାଥରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ମନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା, ଡି ଅଛି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା, ସି ଅଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା, ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଛି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରା। ତ କେଉଁ ହିସାବରେ ଥିଲେ ନା ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଦିସ୍ ମୁଦ୍ରା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗେଷ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ପଚାରିଦେବ ଯଦି କେବେ ମନେ ରଖିନେବେ, ତ ଗେଷ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗେଷ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ କୈବଲ୍ୟ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। କୈବଲ୍ୟ ତାହେଲେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଜୈନିଜିମ୍, ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିଖିଜିମ୍। କୈବଲ୍ୟ, କୈବଲ୍ୟକୁ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୈବଲ୍ୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ଉପରେ ଆସିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ। ତ କୈବଲ୍ୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜୈନିଜିମ୍ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୈବଲ୍ୟ ଜୈନିଜିମ୍ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମାନେ ରିବର୍ଥ, ମାନେ ଜୈନିଜିମ୍ ମାନେ ସରି କୈବଲ୍ୟ ମିନ୍ସ ରିବର୍ଥ, ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାଟାକୁ ହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିବର୍ଥକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିବର୍ଥ, ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିବର୍ଥ, ହଁ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହିଁ ଆମର କୈବଲ୍ୟଟା, କୈବଲ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦୁଇଟାକ ମିନିଂ ଏକା। ବଟ୍ କୈବଲ୍ୟ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ, କୈବଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୈନିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିନେବେ ଏଇଟାକୁ। ଦେନ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିଲଙ୍ଗ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଗଣରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସାୟଦ, ସାକ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ। ଓକେ, ସାକ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସାକ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା। ତ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଥର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ କ୍ରାଡଲ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧସ୍ ଲାଇଫ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ମାନେ ବୃଷଭ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କେଉଁ ଜୀବନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ବର୍ଥ, ବି ଅଛି ମହାଭୀମ ମହାଭୀମିସ୍କ୍ରମଣ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୁଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧସ୍ ଲାଇଫ୍।
तो बौद्ध धर्म जो वृषभ अच्छे तो सहीटा एक्चुअली बुद्धंर कौ जीवन कौ घटना सहित जड़ित तो कौड़ा घटना सहित जड़ित हम तार आंसर हो कौन बर्थ मान बुल को बर्थ सहित बौद्ध धर्म से कौन कर सहित अटैच कर तो यहाँ मन रखिद बर्थ को बुल हिसाब से निजाई ठीक अच्छे बर्थ को बुल हिसाब निजाई आ महापरिनिर्वाण को मर महापरिनिर्वाण को आम स्तूप हिसाब से निजाई बर्थ नाम बुल सहित जड़ित महापरिनिर्वाण स्तूप सहित जड़ित आउ गोटे एक्सट्रा रहा बौद्ध जिम कौन धर्मचक्र परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन जोटा आमर फुईल सहित जड़ित ठीक अच्छे बर्थ होची बुल से जड़ित महापरिनिर्वाणटा स्तूप से जड़ित आ धर्मचक्र परिवर्तनटा फुईल से जड़ित ठीक अच्छे देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नॉट कंटेम्पररी ऑफ टू बुद्ध तो यही सब शासक मानक मधुर क्यों बुद्धंर समसामयिक किए नथिले तो बुद्धंर समसामयिक किए थिले थिले कि बिम्बिसार थिले ना तो एमाने भीतर नथिले कि महापद्मानंद किए नथिले महापद्मानंद उदयन बिम्बिसार अजस्तूर एम सब बुद्ध समय थी बट महापद्मानंद नथिले कहीं महापद्मानंद टाइम टा के ना 400 रु 329 बीसी मध्य कौन महापद्मानंद कौन तर जो आम टाइम पीरियडा था तो महापद्मानंद कौ डायनास्टी रूलर तो नंद डायनास्टी नंद डायनास्टी थी बट ही वाज नॉट कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परिनिर्वाण प्लेस ऑफ महावीर निमित्त मत के स्थान होची महावीर परिनिर्वाण केन्द्र परिनिर्वाण परिनिर्वाण माने कौन कौटि से कौन करते मूर्ति मानते जो देहत्याग करते ना महाजरी परिनिर्वाण कौटि करते बाबापुरी पा बाबापुरी हिं कौन करते देहत्याग निहांत कौन होता बाबापुरी हिं होता आट द एज ऑफ 72 ओके एट द एज ऑफ 72 देन नेक्स्ट वो आज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दैट अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज तो भारत क्यों शेष शासक जी तक शेष दिन रे ही जैन धर्म ग्रहण करथिले की थिले सी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य थी मौर्य डायनास्टी जी आम थे चंद्रगुप्त मौर्य से ही कौन करते ना पूरा लास्ट टाइम रे ही से कौन करते जैनिज्म को अडॉप्ट करते ठीक अच्छे देन फ्रॉम व्हिच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड तो क्यों स्मारक जना जाए जी गौतम बुद्ध तर बौद्ध धर्म विषय में दुनिया को ईश्वरीय ज्ञान प्रचार करते तो ये सब कौ स्मारक जो सब स्तंभ गुराक रही आमर किसी भी तो सेटर कौटर आम जापर तो ऑप्शन ए अच्छी हुमायूं टॉम बी अच्छी महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स सी अच्छी कुतुब मीनार एंड डी अच्छी रेड फोर्ट कम्प्लेक्स तो कौटा तो जेहेतु आम बुद्धिज्म क्वेश्चन आसी तो हुमायूं टॉम कुतुब मीनार रेड फोर्ट दिज आर बिलंगस टू डेली सल्टनेट राइट तो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स जो आसा हूँ कौन बुद्धिज्म बुद्धिज्म रिलेटेड अच्छे ना बुद्धिज्म सहित लिंक अच्छे तो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स आम जापर से ही स्मारक आम जाना जो गौतम बुद्ध तरह ईश्वर ज्ञान प्रचार करते दुनिया को आम जापर तो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्सटा एक्जाक्टली अच्छे कौटी महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स आमर रहा कौटी बोधगया बिहार अच्छे ठीक अच्छे बोधगया बिहार राइट एंड आउ एटा 2002 मसीह रे यूनेस्को हेरिटेज साइट यूनेस्को
ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ହେଲା 2002 ମସିହାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯେଉଁଟା ବୋଧଗୟା ବିହାରରେ ରହିଲା। ତ ଏଠି ଅଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାୟଦ, ହଁ ଦେନ୍ ଏଠି ଅଛି ଅନେକ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅନେକାନ୍ତବାଦ। ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଇଜ୍ ଅ କୋର୍ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଜ୍ ରିଲିଜନ। ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଓରି ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରିଲିଜନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ କମିଂ ଦ ସେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ। ଭଲ ଯଦି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭଲ ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଇନେବେ। ବଟ୍ କିଛି ବି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ନା, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭଲ ପଢ଼ଉଛୁ କି ନହେଲେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଫର୍ କମିଂ ଦ ସେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ତ କହିବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ରେ ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ବାଏ।